नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको नॉर्थ फेसिंग बुटीक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इससे पहले मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका अपना नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी बुटीक है, टेलरिंग की दुकान है या टेलरिंग का बड़ा शोरूम है या आपका अपना बुटीक सेंटर है, किसी कारण से आप अपना बुटीक अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, आपके यहाँ फुटफॉल अच्छा नहीं है, या फिर आप अपने बुटीक को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप अपना नया बुटीक खोलने जा रहे हैं, तो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपके यहाँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फुटफॉल हो जाएगी। और जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करता हूँ। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं, दो तीन चार बार ज़रूर देखें और देखने के बाद जैसा आपको अच्छा लगे, आपकी समझ में मेरी वीडियो आती है, आपको लगता है बंसल जी ने जो बातें कही हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया हैं, तो आप अपने यहाँ चेंज करेंगे, तो मेरा अपना ये मानना है आपका अपना बुटीक आपको बहुत अच्छे पैसे कमा कर जरूर देगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा आपकी अपनी बुटीक, आपका अपना बुटीक नॉर्थ फेसिंग है, उत्तरमुखी है, और साथ में आपके पास अपने ही बुटीक के नीचे बेसमेंट भी बनी हुई है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा बेसमेंट की, क्योंकि बेसमेंट में फ्रंट से ही जीना है नीचे जाने के लिए, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जीना बना हुआ है आपके यहाँ। तो मैं कहूँगा आपके यहाँ बेसमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय, जो स्टाफ रहेगा वो अपने अनुसार काम करेगा। काम तो जो ओनर कहेगा उस तरीके से काम तो उसने करना ही है, लेकिन अपने टाइमिंग के हिसाब से काम करेगा, ओनर के हिसाब से काम नहीं करेगा। इसके अंदर बेसमेंट में आपने अपना सेटअप किस तरीके से लगाना है जिससे कि आपका अपना वर्क, जो कस्टमर आपके यहाँ कपड़ा लेके आता है, कपड़ा देके जाता है, ऑर्डर देके जाता है स्टिच करने के लिए, उस तरीके से अच्छे से और अच्छी क्वालिटी के साथ स्टिच हो जाए और टाइमली स्टिच हो जाए, कपड़ा तैयार हो जाए। तो मैं आपको बेसमेंट की जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके अपने यहाँ करना क्या है, साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट तक कंप्लीट स्टोरेज बनानी है। इसी के साथ में साउथ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट के कॉर्नर तक आपने कटिंग टेबल या प्रेस टेबल जरूर लगानी है। इसके साथ में जो आपके यहाँ मास्टर बैठता है, जो सीनियर एम्प्लॉय है, वो आपका अपना फ्रंट में यहाँ पर बैठेगा, दूसरा एम्प्लॉय आपका अपना तीसरी मशीन आपकी चौथी मशीन भी आपकी यहीं पर आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा थोड़ा सा खाली छोड़ जरूर छोड़ना है, क्योंकि आपके अपने यहाँ पर स्टिचिंग सिलाई की मशीनें, कम से कम दो से तीन सिलाई की मशीनें लगेंगी, साथ में एक इंटरलॉकिंग की मशीन भी ज़रूर लगेगी। इसके साथ में आपके यहाँ वर्क ज़्यादा है, आपको स्टाफ ज़्यादा बैठाना है, सिलाई वाली मशीनें और ज़्यादा लगानी है, तो आप अपनी मशीनें सिलाई वाली नॉर्थ फॉल पर भी जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि जो सिलाई वाला कारीगर है जो बैठेगा उसका नॉर्थ की ओर फेस हो जाएगा, इधर इसका इनका ईस्ट की ओर फेस हो जाएगा। यहाँ पर जो सीनियर स्टाफ
या आपका मास्टर बैठेगा उसका फेस भी नॉर्थ की ओर हो जाएगा। जो यहाँ पर कटिंग टेबल लगेगी, प्रेस टेबल जो लगी हुई है, इस पर भी काम करने वाले का फेस ईस्ट की ओर हो जाएगा। यदि आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपके अपने यहाँ पर जो कपड़ा आएगा, जो ऑर्डर आएगा, वो आप टाइमली और अच्छे से अच्छी फिटिंग का कपड़ा सील कर जरूर देंगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। इसी के साथ किनके यहाँ अच्छा कपड़ा, अच्छी फिटिंग नहीं होती, जिनके यहाँ पर स्टिचिंग की जो मशीनें हैं वो साउथ की ओर फेस करके बैठ जाते हैं, किनके यहाँ, जिसके यहाँ कारीगर साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं या वेस्ट की ओर फेस करके बैठे हैं, उनके यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, प्रॉपर फिटिंग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। या फिर जो कटिंग टेबल है आपकी अपनी, मास्टर या कटिंग करने वाला, उसका फेस साउथ की ओर हो जाए या वेस्ट की ओर हो जाए, उससे भी कपड़े के अंदर कहीं ना कहीं कटिंग करने में, नाप लेने में, प्रेस करने में कमी रह जाती है, कभी भी कपड़ा अच्छे से सिलाई नहीं होगा। अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ये नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर तो कट हो जाता है स्टेयर्स के कारण। ऊपर आने के लिए जो स्टेप बनते हैं वो आपके अपने 2 से 3 स्टेप बन जाते हैं। यहाँ पर आपका अपना ग्लास फिटिंग हो जाती है और इसमें जो डोर बनना चाहिए, यदि आपने डोर यहाँ इस हिस्से में बना रखा है तो आपके यहाँ फुटफॉल मेरे हिसाब से कम रहेगा। मिड में डोर है सेंटर में, तो मैं ये कहूँगा आपके यहाँ फुटफॉल अच्छा रहेगा। और आपका अपना यदि नॉर्थ ईस्ट में गेट आ जाता है, डोर इधर खुल जाता है, तो सबसे बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ में आपके अपने यहाँ पर कंप्लीट साउथ में डिस्प्ले करनी है। फ्रंट में आप यहाँ पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आपका अपना यहाँ डिस्प्ले फ्रंट के नॉर्थ में तब डिस्प्ले होगी जब आपके यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में गेट आएगा। किसी कारण से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में गेट नहीं आता है तो मैं आपको ये कहूँगा फिर आपकी अपनी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। हाँ, कब डिस्प्ले हो जाती है, जब आपका अपना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में गेट आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ गेट आता है, तो आपकी अपनी यहाँ डिस्प्ले आ जाती है। यहाँ डिस्प्ले आने से भी मैं ये कहूँगा कि आपको रिजल्ट माइनस नेगेटिव ही मिलेंगे। आपके यहाँ आया हुआ कपड़ा अच्छे से सेल नहीं होगा, स्टिच किया हुआ कपड़ा भी अच्छे से सेल नहीं होगा, हमेशा ही कंप्लेंट बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा आपने अपना बुटीक अच्छे से चलाना है, अच्छा कस्टमर और रेगुलर कस्टमर आपको चाहिए, तो आपको अपना गेट यहाँ से क्लोज करके, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से क्लोज करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में गेट लेके आना है। और डिस्प्ले भी आपने फ्रंट में यदि आवश्यकता है तो यहाँ पर आप डिस्प्ले बनाए, वरना इस डिस्प्ले को भी आप छोड़ दें। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आपके यहाँ पे एक ट्रायल रूम भी बनेगा। आपने वो ट्रायल रूम यही बनाना है, कहाँ पर, स्टेयर्स वाले पार्ट में। वो इसलिए कि आपका अपना एक लुकिंग मिरर तो आ जाएगा नॉर्थ वॉल पर, एक मिरर आ जाएगा आपका ईस्ट वॉल पर, तीसरा मिरर आ जाएगा आपका अपना वेस्ट वॉल पर। इस तीसरे मिरर को आपने आवश्यकता हो तो लगाना, वरना कोशिश करना आपका अपना एक नॉर्थ वॉल पे मिरर आ जाएगा, एक ईस्ट वॉल पे मिरर आ जाएगा। इन दोनों मिरर से यदि काम चल जाता है तो मैं आपको कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। साउथ वॉल पे कभी भी मिरर नहीं लगाना है, ईस्ट वॉल का ही आपका अपना दरवाज़ा बनेगा। ये दरवाज़ा बाहर खुल जाएगा
दरवाजे के ऊपर ही आपका अपना मिरर लग जाएगा। आप ईस्ट वॉल को ओपन नहीं करना चाहते, साउथ साउथ से ही यदि एंट्री करना चाहते हैं तो साउथ में भी आपका डोर बना सकते हैं 12 रूम का। इसी के साथ में ओनर के बैठने की सीटिंग कहाँ होनी चाहिए, ओनर के बैठने की सीटिंग चेयर टेबल और कस्टमर। इसी के साथ ओनर कम समय के लिए आता है तो स्टाफ कहाँ बैठे, क्योंकि शोरूम ने तो सुबह ओपन हो जाना, ओपन कर लेना, शोरूम तो सुबह ओपन हो जाता है, तो स्टाफ आके जो ओपन करता है उसकी सीटिंग कहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर आप सोफे के रूप में भी लगा सकते हैं, और सोफा नहीं लगाना तो आप चेयर्स भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ एक बात और कहूँगा मैं आपको, आपको लगता है कि आपके यहाँ डिस्प्ले की जगह ये कम है, डिस्प्ले भी है, स्टोरेज भी है आपकी अपनी, और टोटल सारी हैंगिंग स्टोरेज होती है आपके यहाँ। इसी के साथ में ओनर की सीटिंग के पीछे भी आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाती है। मैंने बहुत सारे बुटीक देखे हैं, उन बुटीक्स में क्या क्या किया जाता है, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं पर रैक और स्टोरेज बना दी जाती है। जैसे कि यहाँ रैक लगाया, जब भी रैक लगेगा आपका माइनस सेल माइनस हो जाएगी। यहाँ पर ईस्ट वॉल पर जब भी रैक लगेगा सेल आपकी माइनस हो जाएगी। तो मैं आपको कहूँगा यहाँ भी आपने रैक नहीं लगाना है और यहाँ भी आपने रैक नहीं लगाना है। इसी के साथ आप इस हिस्से में कहाँ पे जो हमारा अपना टेल रूम बना है और जो हमारा स्टूडियो वाला एरिया है, इस हिस्से के अंदर आप अपने स्टाफ की बैठने की सीटिंग करना चाहें, सोफा डालना चाहें, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ आपका कस्टमर आ जाता है, इस हिस्से में आपका सोफा आ जाता है। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा जो आपने करना है, मंदिर। मंदिर आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ईस्ट वॉल पर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ आप अपना मंदिर बना ले। एक तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में जगह मिलती है, और दूसरा हमारी ईस्ट के सेंटर में जगह मिलती है। यहाँ आप अपना मंदिर बना लें। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है, पीने का पानी आप बेसमेंट के सीढ़ियों के नीचे फर्श पर, इस हिस्से में पीने का पानी आ जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पानी आ सकता है। हल्की फुल्की कटिंग की जो स्टोरेज होती है आपकी अपनी वेस्ट वाली स्टोरेज, वो आपकी अपनी सीढ़ियों के नीचे ही स्टोरेज भी आ जाएगी। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपके अपने यहाँ पर बुटीक के अंदर जो कलर होना चाहिए, बेसमेंट के अंदर तो ओनली वाइट कलर होना चाहिए, फर्नीचर भी वाइट कलर का होता है तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर ओनर की चेयर, कस्टमर की चेयर वाइट कलर की, टेबल भी वाइट कलर की होनी चाहिए, और वाइट वाश में क्रीम कलर। सिर्फ आपने साउथ वॉल को गुलाबी कलर, बेबी पिंक कलर करना है। इसी के साथ में जो सोफ़ा आप यहाँ लगाएंगे कहाँ पर, वेस्ट वॉल के साथ, टेल रूम के साथ में, स्टेयर्स के साथ में सोफ़ा आप लगाते हैं, ये आपका ग्रे कलर भी आ सकता है, ब्लैक कलर भी आ सकता है, वाइट कलर भी आ सकता है। और यदि आप अपनी सीटिंग सोफ़ा ईस्ट वॉल के साथ लगाते हैं वो आपका अपना ब्राउन कलर या ग्रीन कलर का सोफ़ा आएगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।